अल्ट्रा सिट्रल लिक्विड सिरप, इसके अंदर डिशोडीम हाइड्रोजन सिट्रेट दिया हुआ है। इस सिरप का जो इस्तेमाल है, पथरी वाले जो पेशेंट है जिनको पथरी की समस्या है, तो इस कंडीशन में भी हम इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जिनको गाउट की समस्या है यानी गठिया से जुड़ी समस्या है, तो उस कंडीशन में, या फिर जठर संबंधी समस्याओं में भी हम इस सिरप को कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जिनको कब्ज रहती है, या फिर इस तरीके के लोग जिनको यानी सर्दी के मौसम में, या फिर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, या फिर किसी भी मौसम में उनको पेशाब करते समय जलन या दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी हम जलन और दर्द को बंद करने के लिए हम इस सिरप को इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी वे लोग जो पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने के चलते भी कई बार पेशाब में जलन होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी हम इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस सिरप का जो मुख्य काम है, मूत्र के माध्यम से यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालकर यूरिक एसिड का जो स्तर है उसको कम करना है। तो इस सिरप यानी अच्छी सिरप है, और इसके डोज देने की बात करें तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। 1 साल के बच्चे को कितना डोज देना है, 12 साल के बच्चे को कितना, और बड़ों के लिए कितना रहेगा। तो आपको बीड़ी इस सिरप को इस्तेमाल करना है। 1.25 ग्राम जो डिशोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट इसके अंदर दिया हुआ है, 5 ml जब किसी को हम यह दवा सिरप देंगे उस कंडीशन में। इसके यानी कंपनी की बात करें तो स्काई मैप फार्मेटिकल्स जो प्राइवेट लिमिटेड है सिरप को बनाती है, और इसकी रेट की बात करें, जैसा आपको दिख रहा होगा, 92 रुपीज में आपको 100 ml जो सिरप है वो मिल जाएगी। तो अब दूसरी टेबलेट की हम बात करते हैं, नाइट्रोकॉन्टिन 2.6 टेबलेट। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन इसके अंदर दिया हुआ है। यूज की बात करें तो इस टेबलेट का इस्तेमाल 100% एंजाइना वाले जो मरीज हैं जिनके सीने में जकड़न या दर्द की समस्या रहती है, तो इस कंडीशन में हम इस टेबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं। कहने का मतलब, हर्ट वाले जो मरीज हैं जिनके कभी कभार सीने में दर्द होने लगे, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। या फिर हाइपरटेंशन वाले जो मरीज है जिनका ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ जाता है, तो डॉक्टर की राय पर इस टेबलेट को उस समय भी कभी कभार दे दिया जाता है। दूसरे उद्देश्यों के लिए भी हम इस टेबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं, यानी जिन लोगों को फिसर की समस्या है यानी पाइल्स की समस्या है, और वॉशरूम जाते समय उनका पेट साफ नहीं होता है और उनको पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी हम फिसर वाली स्थिति में इस टेबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं। बेशक इस टेबलेट के द्वारा फिसर की समस्या ठीक नहीं होती है, पर आपको पेन कम होगा। वैसे एंजाइना में इस टेबलेट को इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसके रेट की बात करें तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, इसलिए इसको आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जब भी आप टेबलेट खरीदोगे उसमें रेट डली होगी और किस कंपनी का ब्रांड है तो वो भी डला होगा, नहीं तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।